गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन लिया है। हम दोनों ने एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंग्लिश लैंग्वेज, और जैसे कि हम कहीं पर भी जाते तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और हम घबरा जाते हैं। और फिर जैसे कि कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना हो तो उससे भी डर लगता है। अगर कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो तो हम सिर्फ चुप बैठे रहते हैं क्योंकि हम इंग्लिश की वजह से बोल नहीं पाते। अगर टीचर को कुछ क्लास में सवाल भी पूछ लिए तो हम उसे घबरा जाते या फिर हम बोल नहीं पाते। हमें जवाब होने के बावजूद भी हम बोल नहीं पाते, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जैसे कि हमारे जैसे और भी बच्चे हैं जो एजुकेशन में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ओके, स्लम्स में बहुत सारे हमारे जैसे बच्चे होते हैं जिनको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, और हमारे पेरेंट्स भी जो है इलिटरेट होते हैं, जो कि हमें एजुकेशन में भी हेल्प नहीं कर पाते और ना ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छे होते पर वहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, इसका नाम है फर्स्ट स्टेप। ओके। और ये प्रोजेक्ट हमने छोटे बच्चों के लिए बनाया है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अल्फाबेट सीखना। तो हमने जो आइडिया सोचा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ABCD पढ़ने वालों के लिए और पहली बार सीखने वालों के लिए मज़ेदार बनाने का फैसला किया। हमने जो ये डिवाइस बनाया है एक शेप शिफ्टिंग डिवाइस है, जो कि अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को मज़ेदार तरीके से बनाने में बच्चों को हेल्प करता है। हमारा मेन आइडिया ये है कि बच्चे इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और टीचर को मिमिक कर कर अल्फ़ाबेट्स बनाएं। जब सही अल्फ़ाबेट बन जाएगा तो एक लाइट अप होगा, जिसके कारण स्टूडेंट्स को जानने में मदद मिलेगी कि वो लोगों ने सही अल्फ़ाबेट बनाए हैं। और ये एक नया तरीका होगा सीखने का, जो कि बिना पेन पेंसिल और पेपर की मदद से होगा। और हमने 10 दिनों में हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट से बनाया था, और हमने इसको बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। फिर हमें बैम्बू और पाइप क्लीनर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, जो कि दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। फिर हमने इसमें फ्लेक्स सेंसर, LED और आर्डिनो बोर्ड्स को बैम्बू पीसेस में कनेक्ट किए। फ्लेक्स सेंसर हमने इसलिए लगाया है ताकि वो अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग टर्निंग एंगल को डिटेक्ट कर सके, और LED हमने इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि जब बच्चा सही अल्फ़ाबेट बनाए तो उनको एक सिग्नल मिले ताकि उन्होंने सही अल्फ़ाबेट बनाए हैं। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट स्टेप, ये बालवाड़ी और गांव के बच्चों के लिए या फिर स्लम एरिया में ये पढ़ने में मदद मिलेगी, और बच्चे देखकर, सुनकर, टच करके हैंड्स ऑन लर्निंग के साथ साथ उनको शेप पता करने में भी मदद मिलेगी, और उनके अंदर एक कॉग्निशन एंड परसेप्शन डेवलपमेंट होगा और एक नए वे में उनको सीखने को मिलेगा। जैसे कि किंडरगार्टन और प्राइवेट स्कूलों में उनको नए नए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में। और जो बच्चे बुक से पढ़ाई करते हैं उनको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं और 1 2 3 दिखाई देते हैं, पर हमारे इन्वेंशन से क्या होगा कि उनको 3D वे में खुद से वो बना सकें। और वो गेम भी हो गया, टॉय भी हो गया एक तरीके का। यस। मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। बस मैं एक चीज़ सोच रहा था जब आपने ये बोला कि हमें शर्म आई जब हम इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे थे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल लूँगा कि मेरी हिंदी इतनी कमज़ोर है, इस चीज़ में शर्म। अगर हम अपनी देश की भाषा पूरे तरीके से नहीं बोल सकते, उसमें शर्म होनी चाहिए। अगर हम किसी बाहर की भाषा पूरे तरीके से नहीं बोल सकते, उसमें कोई शर्म नहीं है। तो अगर आप की अंडरस्टैंडिंग है एक सेकंड लैंग्वेज में, आपको उसमें ही बहुत प्राउड होना चाहिए जितना भी आपको पता है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपने छोटे बच्चों को आइडेंटिफाई किया टीचिंग इंग्लिश के लिए, क्योंकि 7 साल के उम्र के नीचे जब कोई बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है तो बहुत जल्दी उठा लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन से स्टेज पे हैं अभी? आपने प्रोटोटाइप बना के किसी पे ट्राई किया है क्या? बच्चे इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे ही NGO में उन्होंने ट्राई किया था उनके। और टीचर्स को पसंद आया ये प्रोडक्ट? हाँ, टीचर्स को भी पसंद। ओके, नाइस, बढ़िया। तो इसमें कोई वो लिंक भी है कि अगर अल्फाबेट बन रहा है या कोई वर्ड बन रहा है, या इसमें कोई साउंड फॉर्मेट भी बिल्ट इन है कि आप एक वर्ड्स को साथ जोड़ रहे हैं? तो सोचा आपने इसके बारे में? हम लोगों ने मतलब जो प्रोटोटाइप पहले बनाया ना, तो उसमें हमने साउंड बजर नहीं लगाया था, पर अगर हमें ये शो से फेज लैब में जाने का मौका मिला तो हम उसमें बजर लगाएंगे, जिसके वजह से अल्फाबेट प्रोनाउंस होगा। हाँ। और स्टूडेंट को समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस अल्फाबेट को कैसे प्रोनाउंस करना प्रॉपरली। पर ये कितना महंगा होगा? नहीं सर, हम लोग ने बहुत सारे मटेरियल्स लिए, जैसे कि 3D प्रिंटिंग होता है, तो उससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई 3D प्रिंटिंग वो सबसे। पर वो सब क्या होता है, 3D प्रिंटिंग हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो हम लोग बहुत सोचे, तो हम लोगों को एक साइट में वेस्ट बैम्बूज मिले, उसको यूज़ किया है। और ये जो बैम्बूज है हर जगह पे, रूरल एरिया हो, कहीं पर भी हो, अर्बन एरिया हो, हर जगह पे बैम्बूज हमें अवेलेबल मिलते हैं, और बैम्बूज जो है कॉस्टली नहीं होते। और इसमें सारे अल्फाबेट्स आसानी से बन जाते हैं। इसके कितने कितने भाग हैं, पीसेस? पीसेस के 6 या 7 पीसेस होंगे। और हमने जब स्टार्ट किया था बनाने के लिए तो कुछ अल्फाबेट्स बन रहे थे, पर हम आगे जाएंगे तो वो पूरे अल्फाबेट्स बनाने की ट्राई करेंगे। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा इस फील्ड में थोड़ा सा काम किया है, जैसे आप वो समझा रहे थे हमें कि हमें बोलने में टेंशन होती है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप लोग लास्ट स्टेज तक जाते हैं तो इसके अलग अलग प्रोग्रेशन सोचिएगा इसमें, और ये गेम एक लार्जर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।